और बच्चों ने अपने स्कूल छोड़ दिए थे और जब हम वापस लौट रहे थे तो मैंने एक होपलेसनेस देखी और आई थिंक जब हमने उनको एजुकेट किया तो वो होपलेसनेस बलोच की तरफ से नहीं थी, वो होपलेसनेस इस स्टेज की थी. किस स्टेज ने उन्हें ना उम्मीद किया, वो एक पीसफुल मूवमेंट लेकर गए. पीसफुल मूवमेंट में इवन दो उनके साथ शायद किसी बैरूनी एजेंट से भी बदतर सलूक किया गया. तो कॉलोनिज्म को हमने किताबों में पढ़ा है, शायद उसको पढ़ा जाता है, उसको लिखा जाता है, उस पर रिसर्च किया जाता है, लेकिन बलूचिस्तान उस चीज को जी रही है. उस नफरत को हमने एब्जॉर्ब किया है. दो दिन उस जेल के अंदर जब हमें मार रहे थे तो शायद मैंने एक चीज महसूस की उन माओं के अंदर. पहले उन्हें पता नहीं था, उनको तसल्ली दी जाती थी कि उनके बच्चे शायद डिटेंशन सेंटर में हैं, उनका ख्याल रखा जा रहा है. बात कर रहे थे मेरे ख्याल से एक कुछ अल्फाज ही नहीं रहते हैं कि हम बात कर सकें. मैं उन्हें बाबा इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही रिस्पेक्टेड. मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे और आई गॉट अ सेंस जब से मैं स्ट्रगल में आई हूँ कि रेवोल्यूशनरी कैसे होते हैं. सो ही इज़ अ ट्रू रेवोल्यूशनरी क्योंकि उन्हें एक बिलीफ है एक कि हम पीस अचीव कर सकते हैं. जब हमने बलूचिस्तान में शायद हाँ खोली तो हमने यही देखा कि हमें यही दिखाया गया कि हम मिस फॉर्च्यून है. लेकिन फिर हमने ये एहसास किया कि हम मिस फॉर्च्यून नहीं है बल्कि हमें मिस फॉर्च्यून रखा गया है. और